ये आप देख रहे हो बंद सो रहे हो, बट ये स्पेस है और ये ना कूल्ड स्पेस है यहाँ पे, यहाँ अंदर आपको एक नॉब मिल जाएगी। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग एंड अनदर कार। हम देख रहे हैं रेनॉल्ट ट्राइबर, ये अर्टिका वगैरह सेगमेंट की गाड़ी है, 7 सीटर मिल जाती है ये। बट इस गाड़ी में जो प्लस पॉइंट है वो है सेफ्टी रेटिंग, ग्लोबल एंड कैप पे 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव किए हुए इसने एडल्ट के लिए और 3 के लिए और चाइल्ड के लिए 3 स्टार। ये RXZ वेरिएंट है, 8,22,500 इसका एक्स शोरूम है हरियाणा के अंदर। व्हाइट कलर आप देख रहे हैं। फीचर वगैरह के बारे में गाड़ी के बात करेंगे, इसकी यहाँ से आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल भी देख सकते हैं कि गाड़ी लग कैसी रही है। और बात करें फीचर्स की, कम रेनॉल्ट इसमें दे क्या रही है, क्या क्या ऑफर कर रही है, तो यहाँ मैनुअल वाइपर्स मिलते हैं विद सिंगल वॉशर, रूफ रेल्स मिल जाते हैं, इस तरह का एंटीना मिलेगा, कुछ इस तरह से बोनट व्यू, रेडिएटर ग्रिल, बीच में रेनॉल्ट का लोगो, लोअर ग्रिल मैट मिलेगी, सिल्वर स्किड प्लेट है, फॉग लैंप्स वगैरह नहीं दिए हुए यहाँ पे, प्रोजेक्टर हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे यहाँ पे आपका, ऊपर पार्किंग लाइट है, ये इंडिकेटर दिया हुआ है, ये लो बीम हाई बीम के लिए दोनों लाइट दी हुई है, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर दिया हुआ है। बाकी गाड़ी फ्रंट से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ अलॉयज मिल जाते हैं हमें, क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा फेंडर्स पे देखने के लिए, फ्रंट पे भी रेयर पे भी। BS6 फेज 2 वेरिएंट है ये, फ्रंट डिस्क है, रेयर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, कुछ इस तरह के सिल्वर अलॉयज मिलेंगे, 185/65 का टायर साइज मिल जाएगा, प्लेन फेंडर मिलेगा, ऑटो एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल ORVM मिल जाएंगे विद इंडिकेटर, जो डोर हैंडल्स हैं वो गार्निश में मिलेंगे, ब्लैक रूफ रेस मिल जाएगी, बी पिलर ब्लैक मिलेगा, सी पिलर भी ब्लैक है, पीछे छोटा सा ग्लास मिल जाएगा आपको देखने के लिए यहाँ पे इस जगह पे। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर लुक पे, रियर लुक पे आओगे तो यहाँ आपको हाइलोजन बेस हेडलैम्प्स रियर टेल लैम्प्स मिलेंगे हाइलोजन बेस, यहाँ पे इंडिकेटर, ये आपका पार्किंग लाइट, रियर वाइपर मिल जाएगा, रियर डिफॉगर मिल जाएगी विद वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर विद वॉशर, यहाँ पे इंडिया सेफेस्ट 7 सीटर ग्लोबल एंड कैप पे, तो ये रेटिंग्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे आपको ना कैंपनिंग के लिए भी इन्होंने शो किया हुआ है, कैंप बना हुआ है, यहाँ पे ट्रिवर बनी हुई है, रेनॉल्ट का लोगो, ट्रिवर की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, रेनॉल्ट की बैजिंग है नीचे, सिल्वर स्किड प्लेट, बम्पर का लोअर पार्ट ब्लैक मिलेगा, टोटल इसमें 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, यहाँ पे आपका फ्यूल टैंक। और अब आ जाते हैं ड्राइवर साइड पे, एक्सटीरियर तो हो चुका है, इंटीरियर में चलते हैं, कुछ इस तरह की मिलेगी लॉक अनलॉक, ये बूट गेट खोलने के लिए, ये प्रेस करके रखोगे लाइट जल जाएगी, ये अगर आप गाड़ी से दूर जाओगे तो गाड़ी ऑटो लॉक हो जाएगी और गाड़ी के नजदीक आओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, ये फीचर हमें रेनॉल्ट की काइगर में भी देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर डोर ओपन करते हैं, ड्यूअल टोन में इंटीरियर मिलेगा इसका पूरा देखने के लिए, यहाँ पे ट्विटर वगैरह तो नहीं दिए हुए, लॉक अनलॉक का बटन यहाँ मिलेगा, ये आपका डोर ओपनर, ये ORVM कंट्रोल यूनिट, एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने फोल्ड बोल दिया था, रिएक्ट नहीं कर सकते, चारों पावर विंडो मिलेगी, ड्राइवर वन टच अप वन टच डाउन मिलेगा, डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ पे सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, एड ऑन हेडरेस्ट मिलेंगे, 3 पेंडस क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ आपको इस जगह पे हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे चैनल जहाँ पे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हेडलाइट की, 3 पेंडस है क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, यहाँ पे AC वेंट सिल्वर और बाहर ग्लोसी ग्रे मिलेगा आपको, ये गार्निश है सिल्वर बोल दिया जैसे मैंने, और ये ग्लोसी ग्रे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टीयरिंग मिलेगा विदाउट एनी रैप, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं, यहाँ मिल जाएगी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है, स्टीयरिंग हमें 3 स्पोक में मिलेगा, रैप कोई है नहीं, यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो, 4 एयरबैग्स मिल जाएंगे, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, ये फोन काटने उठाने के लिए और म्यूट के लिए, क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, ये सिल्वर मिलेगा रेनॉल्ट का लोगो, 4 एयरबैग्स, हॉर्न भी यहीं से बजेगा, मैनुअल हेडलैम्प कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स, कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा जो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आप देख सकते हो, एक बार ऑन कर लेते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, यहाँ बटन है, ये ऑन होगा, बीच में आपका स्पीड मीटर है, ये RPM, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर गेज वहां आ रहा है, और ब्रेक दबा के स्टार्ट करने की नोटिफिकेशन आ रही है, RPM आपको दिख रहा होगा, रेनॉल्ट ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी, यहाँ कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिल जाएगा, ये सिल्वर पार्ट मिलेगा ग्लोसी ग्रे, 2 AC वेंट्स, म्यूजिक सिस्टम, यहाँ आपको एक फिजिकल बटन मिल जाएगा जहां से आप अपना इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं,
ये वॉइस कमांड के लिए फिजिकल बटन भी दिया हुआ है यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह के लिए, और यहाँ पे मीडिया पे जाके ब्लू एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले यूएसबी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये पता नहीं टू 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 कर रही है, पहले इसे बंद कर दूंगा एक बार। तो यहाँ इसे बंद हो गई है, वहीं नीचे आएंगे तो यहाँ डिफॉगर के लिए ये आपका हजार लाइट का बटन, लॉक अनलॉक ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, यहाँ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी की पूरी यूनिट मिलेगी, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यूएसबी पोर्ट एक यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस, गियर कंसोल मिल जाएगा, कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा 5 गियर के साथ, मैनुअल हैंड ब्रेक, अच्छा 2 कप होल्डर, थोड़ा यहाँ आर्मरेस्ट तो नहीं मिलता बट ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे स्पेस मिल जाता है हमें देखने के लिए। और रियर की ब्लोअर स्पीड भी आप जो सेकंड रो की है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ब्लोअर स्पीड, ये आप देख रहे हो बंद सोचो बट ये स्पेस है, और ये ना कूल्ड स्पेस है यहाँ पे, यहाँ अंदर आपको एक नॉब मिल जाएगी, इस जगह पे आपको दिख रही होगी एक नॉब है अंदर, इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब कूल्ड रखना है या नहीं, ये कूल्ड स्पेस है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कूलिंग नॉब ऑन ऑफ, और ये आप यहाँ से नॉब दे सकते हैं, ये नॉब यहाँ पे दी हुई है, बाकी पीछे से आपको दिखाऊंगा। वहीं यहाँ ग्लोब बॉक्स देख लो, डुअल ग्लोब बॉक्स मिल जाते हैं, ऊपर मिल जाएगा एक नीचे मिल जाएगा, यहाँ मैनुअल डिमिंग IRBM, एक रीडिंग लाइट मिल जाएगी येलो, यहाँ पे आपका वेंटी मिरर मिल जाएगा सन वाइजर में, इस साइड कुछ नहीं है खाली टिकट होल्डर है। तो ये तो हो चुका आपका पूरा ड्राइवर फ्रंट, अब चलते हैं पैसेंजर डोर्स पे। तो यहाँ पैसेंजर डोर ओपन कर लेते हैं, पहले पूरा इसका आप इंटीरियर थीम देख लीजिए क्या डुअल टोन में है जो दिखाई थी मैंने। ये डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, ग्लास अप डाउन करने के लिए पैसेंजर ट्री में स्टार्टर में स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 60-40 का कॉम्बिनेशन है, सीट आप स्लाइड भी कर सकते हैं, यहाँ देखिए पीछे भी आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे दोनों पैसेंजर्स के लिए, उस साइड 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा, थर्ड रो में AC वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, और ये आपका आ गया सेकेंड रो। सेकेंड रो में एक बार एंट्री कर लेते हैं और सीट कर लेते हैं स्लाइड पीछे। तो भाई ये आ गया यहाँ पे, आर्मरेस्ट तो नहीं है बट 60-40 के एडजस्टमेंट के साथ 2 आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, और ये जो स्पेस दिखा रहा था मैं, अब आप यहाँ से देखो ये शायद आपको दिख रहा होगा एक नॉब दी हुई है, ये कूल्ड स्पेस है इसके अंदर, यहाँ आप अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक बार पीछे, तो यहाँ आपका बूट स्पेस तो आपको पता ही है कितना मिलेगा, जब सीट अगर आप फोल्ड कर लेते हैं तो बूट स्पेस अच्छा मिल जाता है, अदरवाइज 7 सीटर में आपको बूट स्पेस का पता ही है। यहाँ आपके टूल्स मिल जाएंगे इस जगह पे, स्पेयर व्हील यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का बूट स्पेस है इसमें। भाई ये था रेनॉल्ट ट्राइवर RXZ मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ, गाड़ी कैसी लगी कमेंट बताएं, वीडियो कैसी कमेंट बताएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।